आप जब टीवी खोलती है ना सुबह से लेकर रात तक, तो मोदी 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 आप लोग करते हैं, कश्मीर 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 आप लोग करते हैं। हमारे यहाँ चैनल्स पे ये सब नहीं चलता है, पाकिस्तान हमें टाइम ही नहीं है, हमें पाकिस्तान की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के लिए जब पाकिस्तान की सरकार को मोहब्बत नहीं है, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप दूसरी कंट्रीज से उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखिए। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, कोई पैसा नहीं देना चाह रहा है, पोर्ट बिक्री हो रहा है, आपका आपका प्राइम मिनिस्टर छाता चोरी करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर महिलाओं के हाथ से छाता छीन लेता है, तब आपको बुरा नहीं लगा? बहुत बड़ी बात कही है, और क्योंकि पाकिस्तान से आप बोल रही हो तो मुझे जवाब देना बहुत जरूरी है। हम अपनी धरती पर मुसलमान बलात्कारी को बलात्कारी बोलते हैं, हम अपनी धरती पर मौलवी मुल्ला जो वाहियात और अश्लीलता फैलाते हैं, हम उनको भी धर दबोचते हैं और सामने मुंह पर नंगा करते हैं। हम अपनी धरती पर चोर को चोर बोलते हैं, हम अपनी धरती पर डकैत को डकैत बोलते हैं। हमारे हमारे इस धरती पर अगर औरत, मुसलमान औरत या हिंदू औरत या क्रिश्चियन औरत पर अत्याचार होता है, तो हम मर्दों को जेल भेजते हैं और उस पर कानून बनाते हैं। आपके पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को आपने 5 साल रखवाया आपकी सरकार ने, और क्यों नहीं कहा कि हमारे पास टेररिस्ट का बाप है? क्यों नहीं कहा? It's part of history, Nazia ji. It's part of history. आज हमारे 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 हिंदुस्तान में न्याय और अन्याय दोनों को वैल्यू दिया जाता है, न्याय और अन्याय। कोई अन्याय करेगा सबसे पहले हिंदुस्तानी खड़ा होता है, और जिसके ऊपर अन्याय होता है उसकी आवाज बनकर खड़ा होता है। ये जो आप 300 आदमी का 298 आदमी का जो आप राग अलाप रही हैं, आपकी सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो 300 आदमी का नाम और पता और ठिकाना अपने पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल पर दिखाया होता, तो बाद हो जाता कि सारे चैनल को एक आध क्लिप दिखाना पड़ता। बाद हो जाते वो लोग जो सर्च कर रहे थे 5 आदमी को, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला होता तो कहीं ना कहीं इस बात को उठाया जाता और इस बात को वैल्यू दिया जाता। आपका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो सो गया है नींद का गोली लेकर के, जनता अपने हवाले, पार्लियामेंट अपने अपने हाल पे, जमीन धरती अपने हाल पे, और आप कह रही हैं कि भाई हमको कहना, हमको ढूंढना चाहिए, हमको ढूंढना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए। मिनिस्टर को इतनी अगर फिकर होती तो उन 300 लोगों को पाकिस्तान से माइग्रेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? आप क्या कह रही है कि उस 300 लोगों की आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट कौन निकाल के देगा? ये तो आपकी सरकार ही देगी ना। आपकी सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना चाहिए ना। समझ नहीं रही है मेरी बात, या समझना नहीं चाह रही है आप? मेरी बात समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाह रही है आप? मुझे पहले एक बात बताइए कि आज आपके घर में चोरी हो जाए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आज आपके घर में दो चोर आकर के चोरी कर लेगा, तो ये आप ही ना फर्स्ट पर्सन होंगी जो आप बताएंगी कि क्या क्या चोरी हुई। ये तो आप ही बताएंगी ना, कि आपका पड़ोसी बताएगा कि आप, अरे इनके घर से तो कपड़ा चोरी हो गया, जेवर चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया। ये तो वो नहीं बताएगा, आपको बताना पड़ेगा। तो आपके देश के जब 298 लोग मर गए हैं, कि लापता हो गए हैं, कि शार्क खा लिया है, कि डॉल्फिन लेकर के खेल रहा है, इसका इसका पुष्टिकरण कौन करेगा? इसका पुष्टिकरण पाकिस्तान की सरकार को करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान की सरकार ये पुष्टिकरण कर देती तो कहीं ना कहीं से तो हेल्प का आवाज आता ही, क्यों नहीं आता भाई? मैं आपकी बात को इस वाली बात को डिनाई कर ही नहीं रही हूँ। मैंने आपकी 4 दफा इस बात को बिल्कुल टोटली 110% एग्री किया है कि ठीक है, नहीं किया, आई नो, और पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं है पाकिस्तान की अवाम, चीख चीख के पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का यूथ, एक एक बंदा चीख चीख के गालियां दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है, और उन लोगों को, उन 300 घरों को जिनके चिराग जल गए, जो कमाने के लिए निकले थे और जल गए, इतने लोगों के घर उजड़ गए, उन तमाम लोगों को रो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मातम मनाया जा रहा है इस चीज को लेके। इमरान खान ने उस डे को ब्लैक डे कंसीडर कर लिया। खैर, इमरान खान को तो कौन ही सुनता है पाकिस्तान में, या सुनी ही नहीं जाती उनकी। तो इस तरह के सिनेरियो जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहे हैं, इसमें हम क्या ब्लेम करें गवर्नमेंट को? ब्लेम कर करके ही तो लोग फरार हो रहे हैं, फिर
सकते हैं। अब आप एक चीज में आखिर कब तक बोलोगे? जब वो नहीं सुन रहा आपका तो फिर यूथ बोलेगा ना। जब आप जैसी कंट्रीज उठ के कहेंगे कि हम सबके लिए खड़े हैं तो फिर यूथ तो बोलेगा ना कि यार सुनो हमारी बात। कैसे गवर्नमेंट को बोलते हैं? जो गवर्नमेंट, आप खुद देखें, जो गवर्नमेंट अवाम की बाद में होती है, इंसानियत पहले होती है। जो इंसानियत की नहीं हुई, आपको लगता है कि वो अवाम की होगी? 298 आदमी के लिए आप इतनी परेशान हो रही हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आप मेल कर करके अपने अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मांगिए ना। किसी को ढूंढने के लिए या किसी के डेड बॉडी को भी ढूंढने के लिए उसके आइडेंटिफिकेशन को, उसके आईडी कार्ड की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो आपके यहाँ तो लिस्ट होता होगा ना, आपके यहाँ तो लिस्ट होता होगा। जैसे हमारे यहाँ, हमारे पास आधार कार्ड है और सरकार के पास पता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हैं, कितने मिलियन लोग हैं। तो उसी तरीके से आपकी सरकार के पास उन 300 लोगों के का आईडी कार्ड तो होगा ना। तो कम से कम वही आप तो युवा हैं। अरे महवेश, आप तो युवा हैं, आप तो वोकल हैं। आप जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं बताइएगा कि भाई ये 300 आदमी लापता है और ऐसे समर सेवल में लापता हो गया, 5 आदमी का सर्च हो रहा है, हमें बड़ी जलन हो रही है, हमें बड़ा, हमारा बड़ा छाती जल रहा है, हमारे लोगों को नहीं ढूंढा जा रहा है और ये रहा लिस्ट, इनको ढूंढो। भाई पाकिस्तान का कोई नौकर नहीं बैठा हुआ है ना कि आपका आदमी आपसे बच के भागने को निकला और वो बीच में मर गया। मेरी बात सुनिए, 298 लोग जो एक सानिया में मारे गए, आप उनकी बात करेंगे? यहाँ पे वो हुकूमतें बैठी हैं जो आपस के लड़के, जो आपस के खिलाफ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 298 लोगों को अपने हाथों से मरवा दिया। झंडा फटना पड़े ना, आइडेंटिफिकेशन दीजिए ना 300 लोगों का। मैम आइडेंटिफिकेशन तो कोई तब देगा जब कोई इस चीज को बॉदर करेगा। कोई क्यों करेगा बॉदर यहाँ पे? अगर सरकार पाकिस्तान की इतना कोई दूसरी कंट्री उसको ढूंढेगी कैसे? मेरी बात सुने, यूएनएचआरसी क्यों बैठा हुआ? जब एक कंट्री की, जब एक कोई स्टेट है या कोई आपको नहीं सुन रहा है, यहाँ पे आप देखें किस मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया। अरे भाई हम नहीं कह रहे हैं, महवेश, हम नहीं कह रहे हैं कि हमको पता है कि अपाहज है पाकिस्तान की सरकार, ठरकी है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सरकार को उसको उसकी आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, सबको पता है और पाकिस्तानियों को भी पता है। हम समझ गए आपकी बात और बोलने में कोई फायदा नहीं है। मैं आपकी बात को मुकम्मल तरीके से समझ चुकी हूँ, पर जो 298 लोगों के सर्च के लिए आप डिमांड कर रही हैं या अभी मेरे से जो कन्फ्रंटेशन में बैठी है, तो क्या उनकी आईडी है आपके पास? आप अगर किसी से भी हेल्प मांगिएगा, किसी चैनल के तहत भी हेल्प मांगिएगा, किसी दूसरे कंट्री से भी हेल्प मांगिएगा, तो उन 300 लोगों की आइडेंटिफिकेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना। मेरी बात सुने, अब तो वो लोग कर्क हो चुके ना, अंधेरे में तीर को नहीं चलाया जा सकता ना। अब समुंदर पे डूब रहे थे, जस्ट अ मिनट, मैं विश जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा लॉजिक में बात कीजिए ना, थोड़ा सा किसी ने। अब तो वो डूब गए ना, अब आइडेंटिफिकेशन, अगला प्रोसेस, वो कौन थे, 700 लोग। जब किसी को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं था कि कौन पाकिस्तानी है, कौन रशियन है, कौन क्या है, तो आपने सबसे पहले झूठा एलिगेशन लगाया कि जानबूझ के उनको डुबाया गया, जब पता ही नहीं था। ये बात आपने शायद, ये रिपोर्ट नहीं देखी है, ये बयान उन लोगों का है जो वहां से बच गए, कि वहां पे लोग आपस में, मतलब वहां पे जो बंदा उस टाइम पे उस चीज को रट कर आया है, कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है? एग्जैक्टली, आई हैव जस्ट सीन द न्यूज, एग्जैक्टली, कि पाकिस्तान को जबरदस्ती कुचल कुचल के मार दिया गया, पाकिस्तानियों को कुचल कुचल के मार दिया गया। पाकिस्तानियों को कुचल कुचल के नहीं मारा गया, पहली बात तो वो 300 पाकिस्तानी उसके निचले हिस्से में रखे गए, जहां से बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ऊपर वाले हिस्से से फिर भी लोग बचे जा सकते हैं, जहां से कुछ लोग साहिल तक पहुंच भी गए, निचले हिस्से से कोई बंदा नहीं पहुंच सका। सरकार ने कोई नोटिस भेजी?
फिर सरकार में सरकार की ही घंटे से रोना रो रही हूँ। सरकार, मैं तो सरकार ही बोलूंगी ना, विदाउट इंटरप्शन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट कोई ये रिस्क नहीं लेगा ना, दिस इज द कॉमन सेंस। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, इसमें सरकार कहां से बिलोंग, सरकार ने कुछ करना होता। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ह्यूमैनिटी हर एक कंट्री दिखाएगी अगर आपकी सरकार सबसे पहले इंसानियत दिखाए ना, और ऊपर से आपका इस्लामिक कंट्री है जिसमें कुरान में इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है। नाजिया जी 800 किलोमीटर की दूरी पे वो उस कश्ती को नहीं बचाया गया, उस मरीन को, सबमरीन को नहीं बचाया गया, और एक जो 1250 फीट पे है उसके लिए इतनी तगड़ो की जा रही है। मेरा सवाल ही सिर्फ ये था स्टार्ट से अभी तक कि मेरा स्टार्ट से अभी तक एक ही जवाब है कि जब जिस माँ के कोख का बच्चा है उस माँ को ही परवाह नहीं है, तो आप दूसरी माँ को आप क्यों कह रहे हैं कि आप इसके लिए बहुत रोइए और सीना पीटिए। आपने पहल किया, आप इस्लामिक कंट्री से हैं भैया, आप आइडेंटिफिकेशन दीजिए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजिए ना। अगर अनाथ आश्रम क्यों बनते हैं फिर सरकार, विद्या आश्रम, अनाथ आश्रम, सब में सरकार इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व है, सब में सरकार इन्वॉल्व है ना। पहली बात में ही मैंने आपको आगे से कहा कि सरकार अनाथ आश्रम और विद्या आश्रम नहीं बनता है, सरकार इन्वॉल्व होती, सरकार इन्वॉल्व होती तो 300 लोग फरार ही क्यों होते। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस्लामिक कंट्री है भाई, कुरान पढ़ता है, कुरान को फॉलो करता है, इंसानियत नहीं दिखाता है, ये तो उनका प्रॉब्लम है ना भाई। आप अपने सरकार को बोलिए, एक ट्वीट कीजिए, एक मेल कीजिए कि मैं देश की युवा हूँ और मेरे 298 भाई यूरोप भाग रहे थे आपके आपके जो शैतानी, जो आपका रवैया है, जो यजीदी रवैया है, उसकी वजह से। वो ट्वीट पढ़ेगा कौन? आप टैग कीजिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, आपको आपको लगता है वो ट्विटर यूज करते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल अल्फाज में, बहुत सिंपल सेंटेंस में बता दिया कि जिस माँ की कोख ने जन्म दिया बच्चा, वो कोख को ही परवाह नहीं है, तो दूसरे की कोख पे आप हाय बबेला और सीना नहीं पीट सकते हैं। मैं आप आई डोंट नो हाउ टू डिबेट, लेकिन मेरी बात सुने, देखें जब वहां पे 700 लोग डूबे तब पाकिस्तानी और दूसरे तीसरे का किसी को नहीं पता था, तब उनकी जान बचाना सिर्फ एक इंसानियत थी। 5 लोगों के लिए इतनी तगड़ो की जा रही थी उन 700 लोगों के लिए, वहां पे जिस कॉर्नर पे जाके वो सारा कुछ हुआ, वहां लोग उतरे, वहां पे वो सब पे तो जा सकते थे ना, लेकिन उनको बचाने के लिए एक भी ऐसी स्टेटमेंट अभी तक इवन बीबीसी से भी नहीं आई है कि उनके लिए कोई स्ट्रगल की गई हो कि वहां से कोई भी बंदा, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कोई भी बंदा बच सके। उन 700 लोगों के लिए कोई तगड़ो नहीं की गई है, वॉइस हो। अब मैं आपसे ही पूछती हूँ कि उस समर सेविल में आप होती और उस सिचुएशन में आप होती, तो क्या आप खुद के बारे में भूल करके दूसरों को बचाने की कोशिश में लग जाती, ना खुद को पहले सेव करती? जो लोग सेव हो गए वो हो गए। मुझे बताएं क्या रेस्क्यू वाले कहीं आग लग गई किसी बिल्डिंग में, वो इस डर से नहीं आए कि हम कूदेंगे हम ना मर जाए, इन लोगों को हम क्यों बचाएं? आपको किसने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि रेस्क्यू वाले जब 5 लोगों को ढूंढ रहे थे तो वो बाकी लोगों को नहीं ढूंढे होंगे? मैम नहीं ढूंढा ना, मैं पूरे समुद्र के साथ में गई थी। आप समुद्र के अंदर साथ में गई थी? वो 5 लोग एक बिल्कुल अलग केस है, ये 700 लोग एक अलग केस है, उनके लिए स्ट्रगल हो रही है, इनके लिए नहीं हो रही। दीज आर द 2 डिफरेंट स्टोरीज। मुझे पता है कि these are the 2 different stories. आप टाइटैनिक ट्रेजेडी ऑफ 2023 शॉक्स के बारे में एक जगह बात कर रही हैं और एक जगह आप 298 पाकिस्तानी मिलिटेरियन के बारे में बात कर रही हैं जो यूरोप भागने की कोशिश में लगे हुए थे। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, अगर आप मुझे ये बाउंड कर रही हैं बोलने के लिए कि हाँ हाँ सबको ढूंढना चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी। सरकार आपके लोग थे पाकिस्तान के, आपकी सरकार थी, और आपके सरकार ने जब बहरा गूंगा बन गई है वो, तो इसमें दूसरों का क्या लेना देना।
मेरी बात सुने, वो 700 लोगों की तो सरकार, वो 700 लोगों की तो सरकार नहीं थी ना, 300 लोगों की सरकार नहीं, 300 लोगों की सरकार नहीं बोली, बाकी 400 का क्या कसूर था? रेस्क्यू टीम नहीं भेजा, बाकी 400 लोगों का क्या कसूर था मुझे बताएं? आपने क्यों नहीं रेस्क्यू टीम भेजा? आप, मैं, आप मेरी बात नहीं समझ रही है, पाकिस्तान से रेस्क्यू टीम जाती वहां पे रेस्क्यू करने, तो आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक मेल तो कर सकते थे ना कि हमारे लोगों को ढूंढो, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए भी रेस्क्यू टीम भेजो। मुझे बताएं, चलो पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं गई क्या, बाकी 400 लोगों के लिए चली गई? नहीं गई बाकी 400 के लिए भी। आप पूछिए ना, नहीं गई। जिस कंट्री की बात है वो जाने, जिस कंट्री के लोग मरे हैं वो जानेंगे, जब यहाँ पर इंडिया का कोई इंटरफेरेंस आएगा तब उसका रिप्लाई होगा। इंडिया का, आई एग्री, इंडिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ इंडिया के किसी चैनल पे, इंडिया कवर्ड द न्यूज़ ऑफ दोस 5% पीपल, इंडिया ने न्यूज़ कवर की उन 5 लोगों की, इंडिया यूएस रिलेशन। आपकी सरकार को जब आपके लोगों की परवाह ही नहीं है तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हैं? इंडिया ने उन 700 लोगों को ही कवर नहीं किया, मैं तुम 298 की बात ही नहीं कर रही हूं। क्यों है एक्सपेक्टेशन? क्यों है एक्सपेक्टेशंस? आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस हमारी सरकार को नहीं है, अगर होती तो बोलो। आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कोई मेल किया कि मेरा न्यूज़ कवर करो, मुझे मदद दो? चलिए एक बात मान लेते, चलिए एक बात मान, एक बात सुनिए, सुनिए, आप जबरदस्ती कहिएगा कि हमको पाकिस्तान के लोगों का मरने का न्यूज दिखाना है, तो आप क्या करें? यही ना बोलना पड़ेगा? मदद के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मेल किया? इतनी सी बात भी होगी तो हिंदुस्तान कवर करेगा पाकिस्तान की और पाकिस्तान कवर करेगा हिंदुस्तान की, लेकिन ये आपके, सुनिए सुनिए, आप जब टीवी खोलती हैं ना सुबह से लेकर रात तक, तो मोदी 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 आप लोग करते हैं, कश्मीर 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 आप लोग करते हैं, हमारे यहाँ चैनल्स पे ये सब नहीं चलता है। पाकिस्तान, हमें टाइम ही नहीं है, हमें पाकिस्तान की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। आपका और आपको पूरी दुनिया पाकिस्तान को ना देखना चाहती है ना सुनना चाहती है। अब तो पूरी दुनिया, मैविश आप इस टॉपिक को अगर 6 घंटा भी टानिएगा ना, क्योंकि 1.5 घंटा आप बोल चुकी हैं इस बारे में, अगर आप 6 घंटा भी बोलिएगा ना, तो मेरा जवाब एक ही रहेगा कि क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी देश से मदद मांगने के लिए कोई मेल या कोई नोटिस भेजा? ठीक है, फिर इस डिबेट का, नाजिया जी, फिर इस डिबेट का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं अगले 6 घंटे भी यही कहती रहूंगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर इतने अच्छे होते कि वो मेल करते और अगर मेल पे न्यूज चलती तो फिर ये सिस्टम ऐसे नहीं चल रहा होता जैसे अभी तक चल रहा है। खैर, इट्स ऑल एंड वी शुड एंड इट हियर। खैर, थैंक यू सो मच। और एंड पे मुद्दा यही था कि मेरा सवाल आपसे बिल्कुल ये नहीं था कि हिंदुस्तान उसमें क्यों नहीं टपका, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस चीज को, इतने दिन हो गए इस न्यूज को, आज कवर करने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं इतने दिनों से सर्च कर रही थी कि किसी इंडियन चैनल पे मुझे ये न्यूज मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। इंडिया ने इसको 0.0005 भी बॉदर नहीं किया। दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है पाकिस्तान। और अगर बात की जाए यूएस की, ये दर्द आप अपनी सरकार को क्यों नहीं दिखा रही है? ये वो दर्द है जो हिंदुस्तान ने हमेशा दावा, अगर मेरे जैसा आप मेरा चैनल खोल के देखें, आई ऑलवेज लाइक ट्राई माय बेस्ट कि मैं पीस की बात करूं दोनों कंट्रीज में। आई ट्राई माय बेस्ट टू 100% फेवर जो राइट चीज हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंडिया की हो। इतने दिनों से मैंने इस न्यूज को कवर सिर्फ इसलिए नहीं किया, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग कि मुझे किसी चैनल पे, मैं विश, पाकिस्तान की आदत है दूसरे के कामों में टांग घुसाने का, हिंदुस्तान की ये आदत नहीं है। मरने वाला पाकिस्तानी और जहां डूबा है वो एक अलग कंट्री, भाग रहे थे ये भगोड़े यूरोप। अब जब पाकिस्तान को ही परवाह नहीं है और पाकिस्तान ने जब किसी भी कंट्री से मदद मांगी ही नहीं है, तो आप इस तरह से किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाने की हकदार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात बताएं, क्या टर्की के ऊपर जो मुश्किल आई थी उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी थी? क्या हिंदुस्तान से मदद मांगी थी? खुद पहुंचे ना मदद को? क्या यूएस ने आके, क्या यूएस ने मेल किया हिंदुस्तान कवर करे उन 5 लोगों के लिए?
उन पांच लोगों के न्यूज कवर करने के लिए यूएस से मेल आई थी क्या इंडिया को? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इंडिया ने हमें, मतलब जितना कुछ अभी तक चल रहा है, जितने न्यूज मैंने कवर किए, जितने मैंने हमेशा सोशल मीडिया पर देखे, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, पाकिस्तान का हर मीडिया चैनल इस वक्त सिर्फ, और मीडिया चैनल डजंट मीन कि हमारे पीएम आके ये कह रहे हैं या कुछ भी, हमारे यूथ का हर मेंबर जो खुद इंडिया न्यूज कवर करता है वो खुद ये सवाल उठा रहा है कि अब इंडिया यूएस रिलेशंस चल रहे हैं या जो भी सारे बैकग्राउंड में जो भी चीजें चल रही हैं, इंडिया ने इस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया कि अब वो जो हर वक्त धरती माँ अब किधर गई धरती माँ, अब ये इंसानियत नहीं थी, अब वो 700 लोग छोड़ दे 298 को, अब वो 700 लोग कोई इंसानियत नहीं रखते थे, जो कहीं पे उनका जिक्र तक नहीं हुआ, वो न्यूज यूं दबा दी गई, और वो पांच लोगों की जो है ना वो पिछले 50 दिनों से ऐसे वायरल हुई हुई है कि हर जगह जो पेज जो ट्विटर जो कुछ खोलो पांच लोग दिख रहे हैं आपको, बस वो बच गए, इससे दर्द हो रहा है आपको क्योंकि अगर डेथ हो गई या उनको सर्च करने के लिए रेस्क्यू टीम भेजा गया, उनके अपने सरकार ने भेजा, उनके उनके लोगों ने भेजा, इस चीज से आपको जलन हो रही है? सिर्फ उनकी सरकार ने नहीं भेजा, 5 अदर कंट्रीज आर आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। अब आप समझिए ना कि पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आप मरे जिए खाए पिए भूखे रहे कोई मतलब ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि सरकार से मुंह मोड़ो जो मर्जी करो, लेकिन जब बात इंसान की आती है तो ये बाद में मेंशन होता है कि ये पाकिस्तानी आपके, अब क्या ही पता था, अब क्या ही पता था बटले से अजमल खसब एक टेररिस्ट है, एक नॉर्मल बंदा बन के घूम रहा होगा पाकिस्तान की गलियों में, आस पड़ोस सोचता होगा कि अजमल खसब तो हमारे पाकिस्तान का बेटा है, लेकिन था तो टेररिस्ट ना। मुझे बताए उसमें अवाम का क्या कसूर था? Hello? इस डिबेट को हम कंटिन्यू जरूर करेंगे मैविश, बिकॉज़ इट्स 50 मिनट्स। ओके ओके जी, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया जी फॉर जॉइनिंग अस, और बाकी जितनी भी चीजें हुई उसमें किसी भी बात पे मुद्दा हमारा ऑब्वियसली पर्सनल कोई ग्रज या कोई इस तरह की बात नहीं थी, इट वाज ऑल अबाउट टॉपिक, तो आई होप के इट शुड एंड हियर। बात तो ऐसी है मैविश, व्यूअर्स फॉर वाचिंग, और बात तो ऐसी है मैविश के पाकिस्तान की जमीन से इतना डर लगता है क्योंकि ये जमीन उगलती है ना, उल्टी करती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ही उल्टी करती है। बड़ा अफसोस आता है पाकिस्तान की आपने इतनी देर बोला, मैं आपकी बात को सुनती रही चुपचाप क्योंकि मेरे हिंदुस्तान का यही सभ्यता है, मैं शायद ही मैंने हर एक रिप्लाई में सिर्फ दो चार वर्ड्स बोले हैं, अभी आप मुझे बोल लेने दीजिए क्योंकि आप बहुत बड़ी बात बोली है अभी। माओं पर मुझे अफसोस आता है पाकिस्तान में, और सिर्फ अजमल खसब की माँ पर और उसके कोख पर नहीं आता है अफसोस, हर उस लड़की पर अफसोस आता है जो हर रोज बेआबरू और बेइज्जत होती है, हर उस औरत पर अफसोस आता है जो हर रोज मर्दों के पैर के नीचे कुचली जाती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में नजरअंदाज और थूक इसलिए नहीं बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि उसकी वहां की आवाम से बहुत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई उस आवाम में कौन टेररिस्ट है ये पता नहीं है, आवाम है भी कि नहीं है ये भी पता नहीं है। जो पाकिस्तान 5 साल गारों के अंदर ओसामा बिन लादेन को छुपाने के बाद ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था, जिस पाकिस्तान के मंत्री शाजिया मर्री कैमरा के सामने खड़े होकर के हमारे फादर ऑफ नेशन को गालियां देती है और न्यूक्लियर बॉम्ब से हम लोगों को उड़ाने की धमकियां देती है, आपको ऐसा लगता है कि हम इन सब चीजों को भूल जाएं? पाकिस्तान की आवाम के लिए जब पाकिस्तान की सरकार को मोहब्बत नहीं है तो आपका कोई हक नहीं है कि आप दूसरी कंट्रीज से उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखिए। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, कोई पैसा नहीं देना चाह रहा है, पोर्ट बिक्री हो रहा है, आपका आपका प्राइम मिनिस्टर छाता चोरी करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर